पद्मश्री, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है ना? जी आचार्य जी, हमें लगता है वो इस घर में ही आई थी। अंदर घर में? अरे नींबू मिर्ची की जगह तो बाहर होती है, घर में उसे लाया जाता है का? हमने पहले भी बोला है बिस्वा, ये लक्षण अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है। जी भाभी, उसको हम बाद में देखते हैं, अभी उसको ढूंढ लेते हैं। अगर वो घर में है तो गौरी को पता होगा। गौरी भी अपने कमरे में नहीं है। क्या? ढूंढो सब, कहाँ है गौरी? गौरी, गौरी बेटा, प्रिंसेस, गौरी, यूहू, वेयर यू? मम्मा कॉलिंग बेटा। ए स्वीटी, गौरी, हाय गॉड, ये लड़की यहाँ सो रही है। मुवा पे अगर मच्छर काट लिया ना तो कल सब फोटो खराब हो जाएगा। आज गौरी, अरे मिल गई, गौरी, गौरी, अगर गौरी यहाँ सो रही थी तो कली कहाँ? कली भी यहीं कहीं होगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। गौरी बेटा, ए बेटा, काली कहाँ है बेटा? माधुरी, काहे बेचारी को जगा रही हो? आज बर्थडे है उसका, सोने दो उसे। चेरी भाभी, बस एक बार पूछेंगे ना, वापस सो जाएगी गौरी। गौरी बेटा, प्लीज बता दो कली कहाँ है। आजा बेटा गौरी, हम स्लीप करा देते हैं। माधुरी, माधुरी, बस एक बार पूछ लो ना, हमारी कली कहाँ है, एक बार पूछो ना। क्या मंजरी दीदी, अभी कोई वक्त है सब एग्जाम लेने का? छोड़िए, सुबह में पूछ लीजिएगा जो पूछना हो। गौरी बता दो ना, बताओ ना कली कहाँ है बेटा। कली फ्रिज में है। हमें तो यकीन है रोज आधी मिठाई भी चुराती है फ्रिज से। ये तो लॉक है, इसकी चाबी कहाँ है? चाबी किसके पास है? किसके पास है चाबी? अरे इसके पास है चाबी। ये है ना, आचार्य जी, इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलिए। तुम इसे उठाओ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। सुनो बिस्वा, काले टीके को आंगन से बाहर ले जाओगे? अरे याद करवा रहे हैं, साफ साफ विधान है कुंडली का, ये 5 साल गौरी पर बहुत भारी है। ये बाहर गई, पीछे को जनाब शनाब हुआ तो गौरी की रक्षा कौन करेगी? आचार्य जी, ये बच्ची मर जाएगी, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अरे बच्ची कहाँ है? तंत्र का टोटका है, काला टीका है। आचार्य जी, अगर इलाज नहीं हुआ तो मर जाएगी ये बच्ची। और फिर गौरी, गौरी की रक्षा कौन करेगा? बेटी भाभी, अगर दया नहीं तो स्वार्थ के लिए ही सही। नहीं, तुम ही सोच लो किसी। वैसे भी हमारी तो अब इस घर में कोई सुविधा नहीं है। नहीं, फर्ज है हमारा, तुम्हें एक बार याद दिलाऊं, ये 5वीं साल की आखिरी रात है। आज रात तुम गौरी को इससे अलग करोगे। अरे डाली जब टूटती है ना तो सिरे से टूटती है, और भाग्य जब छूटता है
तो बदलने से पहले ही छूट जाता है। अरे जो कहे उही करो, समझी ना जी। आ रहा तो आपको अवश्य पड़ेगा, आपके भले की बात कर रहे हैं। क्या है मंत्री जी, आ रहे हैं आपकी मुलाकात करवा देंगे, गाड़ी भी भिजवा देंगे। पूरी जिंदगी आपकी कुंडली देखिए, भविष्य बताया है। हम आपको अपना वर्तमान दिखाना चाहते हैं। बिटिया की पांचवी साल गिराए आइएगा जरूर आप जी। मंजरी क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक है, मुंह उतरा हुआ है? तुम ऐसा करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं, तुम्हारा काम कोई और कर लेगा। जी हम ठीक है। ठीक लग तो नहीं रही है, थकी हुई लग रही है। थकान रात भर जागने की वजह से नहीं, जिस कारण से जागे उस वजह से थकान है। कल ही रात भर बुखार में तड़पती रही। लोग तो गरीबों को भी ठंड में कंबल उड़ा देते हैं आचार्य जी, और हम हमारे घर में जो बच्ची पल रही है, हम उसे प्यार की गर्माहट भी नहीं दे पा रहे। डॉक्टर के ना आने के बावजूद भी वो बच गई, लेकिन वो इस हालत में पार्टी नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहिएगा। देखिए ना, मैंने स्पेशली आपके लिए चंदन का लेप बनवाया है। है इस घर में, और तुम हो कि तुम इस छुखरिया को गोद में लिए दिन रात इस बिस्तर पर बैठी रहती हो। भूल जाती हो का ये काली है, नजर उतारने वाला नजर बट्टू, गोद हरा करने वाला कोई रंग नहीं है इसमें। गोद हरी नहीं की इसने, लेकिन गोद भरी तो है इसने। लेकिन भगवान ने हमें यशोदा माँ का दर्जा तो दिया है, हमारे लिए वो ही बहुत है। ये भगवान, विचार से तुम्हारा मन हल्का होता है तो हम का कहें, तजुर्बा है इसीलिए कह रहे हैं। ई के पास रहने के चक्कर में ऐसा ना हो तुम और सबसे दूर हो जाओ। प्रेम है तो सब कुछ है। इस प्रेम के बिना हमारे जीवन में है ही क्या। ये प्यार और प्रेम का मोह ये सब मिथ्या है कुछ औरतों के लिए। आ जा, बहुत काम है। पर काली के बिना ये पार्टी कैसे होगी, मैं तो उसके बिना कुछ करती ही नहीं हूँ। हाँ बेटा,
हम एक काम करते हैं, आपके पापा को कह के एक और बड़ी सी पार्टी करते हैं, फिर आप और काली मिलके खूब सारी मस्ती करना, बहुत मजे करना, ठीक है? बुची पाए। आपकी मम्मी बुला रही, जाओ। ठीक है, पर आप काली से कह देना वो पार्टी में नहीं थी इसलिए मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं हंसूंगी और पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं करूंगी। अच्छा, हम दोनों ना एक काम करेंगे, पूरा दिन पार्टी में बिल्कुल मुंह फुला के घूमेंगे। बताऊं कैसे? ऐसे। अरे पुची पाई, चलो चलो, सबको ही वेट कर रहे हैं फोटो खींचने का। चलो। अरे मंजी, अंधेरा हो गया। आज तो गौरी की बर्थडे पार्टी है और मैंने सुबह से उसे विश नहीं किया। मंजी, मुझे उसका बहुत सारा काम भी करना है, वो भी नहीं किया। आप मुझे तैयार कर दो ना। सुनो, यहाँ आके बैठो। कली बेटा, आप पार्टी में नहीं जा सकते। क्यों मंजी? आपको पार्टी में जाने से मना किया है। किसने? बड़के पापा ने। समझी, मुझे बुखार है ना, बड़के पापा ने सोचा होगा अगर मैं पार्टी में जाऊंगी खेलूंगी तो मुझे और बुखार चढ़ जाएगा। मंजी, बड़के पापा कितने अच्छे हैं, वो मेरी तरफ देखते ही नहीं, मुझसे बात भी नहीं करते, मगर वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। हाँ बेटा, बड़के पापा आपका बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है, बड़के पापा ने मना किया मुझे पार्टी में आने से तो मैं नहीं जाऊंगी। मेरी ओर से आप गौरी को हैप्पी बर्थडे कह देना और कहना कि बड़के पापा को गुस्सा ना करें। बड़के पापा ने समझ कर ही मना किया होगा मुझे पार्टी में आने से। ऐसे क्यों बैठी है? चल डॉल सेट सजाते हैं, बहुत मजा आएगा। कल काली के साथ मिलकर सजाएंगे। चल फिर कुछ और खेलते हैं। वैसे मुंह मत लटका के बैठ। काली नहीं है ना, इसलिए पार्टी में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा। अरे काली, तू ठीक हो गई? मैं तो ठीक ही हूँ नीलू भैया। ठीक है, तुम आई क्यों नहीं पार्टी में? बड़के पापा को पता नहीं कि मैं ठीक हो गई हूँ, इसीलिए पार्टी में नहीं आ सकी। क्या हो रहा है? गौरी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेल रही है ना, और उसने केक काट लिया। नीलू भैया, गौरी तो तुझे बहुत याद कर रही है और तेरी चिंता करे जा रही है। तेरे बिना तो अपने किसी फ्रेंड के साथ नहीं खेल रही हो, इसलिए मैं देखने ही चला आया कि तू ठीक है ना। अब जाइए जाइए नीलू भैया, और गौरी को कहिए कि काली बिल्कुल ठीक है और अपने दोस्तों के साथ खेलना शुरू कर दे। अगर मैं
इतना खेलती कि हंस हंस कर उसका पेट दुखने लगता था। नीलू भैया, मुझे भी गौरी को हैप्पी बर्थडे कहना है। अरे अरे, तू उदास मत हो, चल तू भी मेरे साथ पार्टी में चल। सच? हाँ सच, मैं बीमार हूँ इसीलिए बढ़ के पापा ने मना किया है मुझे पार्टी में जाने से। चाचा जी तो खुद ब खुद देख लेंगे कि तू ठीक है, तू क्यों टेंशन ले रही है, चल। लेकिन तू कैसे जा सकती है? क्यों? क्योंकि वहाँ तो सब फैंसी ड्रेस वाले बच्चे आए हैं, और तू क्या बन के जाएगी उधर? ये तो मैंने पूछा ही नहीं मंजी से, वो सब तो बच्चे हैं इसीलिए कुछ भी बन सकते हैं। मैं तो नींबू मिर्ची हूँ, मैं क्या बन सकती हूँ? मेरे पास एक आइडिया है, चल तू मेरे साथ, बताता हूँ। हाथ दीजिए। और डिस्को बहुरिया। ज्यादा लेडीज और जेंटलमैन मत करिए, ये हमारा पार्टी है, हम बोलेंगे। जाइए आप, जाइए तो उधर जाइए। सुनिए आप लोग बैठ जाइए। आज के दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग विचार किए हैं। हमारी पूछी पाई हमसे पूछी कि मामा पार्टी में का किया जाए, तो हम बोले कि हमारे पास आइडिया का खजाना है, का डालेंगे, है ना? बिल्कुल। तो आज के दिन हमारा ब्रिलियंट आइडिया है, ब्रिलियंट मतलब समझे, अद्भुत फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। भाभी जी, कंपटीशन का पहला प्राइज तो आप जीत ही चुकी हैं। का सच में? अरे नहीं, हम थोड़े ना पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। अरे तो बच्चा लोग का कंपटीशन है, आप सबसे पहला बच्चा परफॉर्म करेगा। चलिए बत्ती बंद करिए। कैसा नाम है? माँ काली? ना, आप तो कुछ समझते ही नहीं। परछाई का रंग होता है ना काला, वैसा। अच्छा अच्छा बेटा, ये बताइए आप किसकी बेटी? मैं
चूहा हूँ। वो गणेश जी का चूहा होता है ना जैसे, जो गणेश जी के साथ साथ रहता है। अरे चूहा बुद्धू जब बिन बुलाए घर में घुस आता है। मंदिर जी वो क्या है कि पड़ोस की बच्ची है गौरी के साथ खेलने के लिए। बात दरअसल ये है कि ये ना गौरी के पीछे पीछे घूमती रहती है और हमने एक दिन मजाक में कह दिया होगा, अरे ये चूहा कहाँ से आया, तो तब से ये अपने आप को चूहा कहने लगी। गलती तुमसे हुई है मंजरी, हमने तुम्हें कहा था कि वो बच्ची इस पार्टी में नहीं आनी चाहिए। पार्टी तो छोड़ो, उसे तो कमरे से भी बाहर नहीं जाना चाहिए था, लेकिन तुमने तो ध्यान ही नहीं दिया। हमने उसे कहा था। अरे क्या कहे थे मंजरी दीदी? कहे थे तो वो पार्टी में आई कैसे? हमारी गौरी एकदम लाइट बल्ब की तरह चकबका रही थी, वो लैंप सेट की जैसा आके उसका लाइट डिम कर दी। देखो मंजरी बिटिया, एक बात जान, ये जिस काम के लिए यहाँ लाई गई है ना, उसी काम में ही इस्तेमाल हो तो ठीक है। हमारा यकीन मानिए, हमने उसे बार बार समझाया था। बस मंजरी तुम जानती हो, उस लड़की के कारण हमारी नाक कट सकती थी, बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था। वो मंत्री तो बहाना ढूंढ रहा है हमसे बदला लेने के लिए। तुमसे इतनी बड़ी भूल हो कैसे गई, ये जवाब दो हमें। पढ़के पापा, आप मंजी को मत डांटिए, मंजी ने तो हमें कहा था कि हमें बुखार है, इसीलिए आपने हमें मना किया है पार्टी में आने से, मगर हम खुद चले आए। हमें ठीक लग रहा था बड़के पापा, इसीलिए आए। और गौरी को हमारी जरूरत भी थी उसके गिफ्ट उठाने में। जब उसके शूज का बकल खुल रहा था उसे बांधने में, और बदबू तो हमारे कामों की वजह से आ रही है। बहुत हो गया ये बात, हे भगवान, हमारा घर तो जैसे एकदम डेली सोप हो गया है। रोज साबुन घिसते रहो झाग निकालते रहो, रोज साबुन घिसते रहो झाग निकालते रहो। और सुनो, हमारी बेटी गौरी को गलती करने की इजाजत है इसे नहीं है। गलती और गुनाह का फर्क काम से नहीं देखा जाता। रिश्ते से देखा जाता है। ये लड़की तो झा परिवार के लिए गले की फांस बन गई है, ना तो निगलते बनेगी और ना ही उगलते बनेगी। जेठी पापा, अगर आप चाहें तो इस घर के सारे झगड़े ठीक कर सकते हैं। बड़े तो घर की छत कहलाते, घर को ढक देते, हमारी इस घर को भी आसरा दे दीजिए ना। देख ली माधुरी, काला रंग जब किसी दूसरे रंग पे गिरता है ना,
उसको भी काला कर देता है। अब देखो ना, हमारी गौरी को कोई नहीं देख रहा था, तब इसे ही देख रहे थे। हाँ, हमको तो चिंता डार्लिंग जी का हो रहा है। आज पूरा दिन वो एंग्री यंग मैन बन के रहे। सुबह में एंग्री, रात में एंग्री। एंग्री मतलब गुस्सा। बीपी बढ़ गया होगा और खाना भी तो नहीं खाए हैं। देखो माधुरी, अब सब कुछ तुम्हें ही करना होगा। इस संकट को जड़ से तुम्हें ही मिटाना होगा। तुम्हारे ही हाथ में है सब कुछ। हाँ, अब तो हम मिटाइए के रहेंगे। समस्या को डार्लिंग जी को नहीं। हाँ। क्या करोगी? मंजी, हमारे नींबू मिर्ची की ड्रेस में बड़के पापा ने हमें गुस्सा क्यों किया? हम तो गौरी की नींबू मिर्ची है ना। और वो अंकल ने क्यों पूछा कि मैं किसकी बेटी हूँ? उन्हें पता नहीं कि मैं गौरी का चूहा हूँ, किसी की बेटी नहीं। लड़की किसी की बेटी होती है? हाँ बेटा, हर इंसान के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर होता है। अमीर का गरीब के साथ होता है, काले का गोरे के साथ होता है। कि मंजी का आपके साथ है ना, और आपका गौरी के साथ, और बड़ के पापा के साथ भी। हाँ बेटा, बड़ के पापा के साथ भी। और याद रखो, जिसके साथ रिश्ता होता है ना, उसे ही हमें डांटने का हक होता है। मतलब बड़के पापा हमें पूरे हक से डांटते हैं? बुढ़िया काका, सारे गिफ्ट यहाँ रख दो। ठीक हो रही बेटा, चल काली गिफ्ट खोलते हैं। हम इतने सारे गिफ्ट अकेले क्या खोलेंगे? वही तो हम कह रहे थे बड़के पापा से कि तुम्हें हर एक मिनट पे हमारी जरूरत पड़ती है। अच्छा, ये गिफ्ट तो मान ले। ये मेरा। बड़ी मम्मा, कल काली दुनिया देखने के कौन सी ड्रेस पहनेगी? मैं वो वाली ड्रेस पहनूंगी जो तुम्हारी सफेद रंग की थी और मंजी ने उसे काला करवा दिया था। वो वाली ड्रेस मुझे बहुत पसंद है। फिर तो कल बहुत मजा आएगा, फिर हम एक साथ दुनिया देखेंगे। कल कहीं डरे हमें कली, आज तो तुम्हारे नन्हे से मन में सवाल कम उठते हैं। जब सवाल पड़ेंगे तब सब सवालों का जवाब हम कहाँ से लाएंगे? पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।